मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पूरा मालूम है, इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा है। और उन्होंने पंजाब एक्शन देखा हुआ था। हाँ, कि इससे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट, दो शब्द प्रयोग थे, न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने मेरे जीवन में पुलिस की करियर में नहीं देखा है। फिर भी आरोप लगाए, गिल पर ही लगा दिया आरोप। अब जो पेटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के, जाकिर जाफरी, क्या उन्हें न्याय मिला है, आपको क्या लगता है? मैं निश्चित रूप से मानता हूँ एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज़्यादा कड़ाई से कहा, इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से कहा, फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली है, लंबा खींचना इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहे। तो जस्टिस वो नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा चाहते थे, क्या ये कह रहे हैं आप? पॉलिटिकल गेन चाहते थे, पॉलिटिकल। मैं जाकिया जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को प्रसिद्धि दे रहे थे, वो लोग। सर मुझे बताइए कि 2002 के बाद और इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद क्या लेसन्स हैं, क्योंकि मंथन तो होता है आपकी पार्टी में और गवर्नमेंट में भी, सरकार में भी, तो क्या लेसन्स आप सीख चुके हैं इससे, क्या कि ऐसे अब कभी ना हो? ढेर सारे सुझाव आए हैं, वो सारे सुझाव मैं ही गृह मंत्री था, मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे, गुजरात पुलिस ने अपनी कार्यपद्धति के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बदले गए हैं, सूचना प्राप्त करने की पद्धति को भी बदला गया है, सूचना का ग्रेडेशन करने की नई सिस्टम इवॉल्व कर दी गई है, और सूचना ग्रेडेशन करने के बाद इसके अनुरूप एक्शन क्या होंगे इसकी भी एक SOP बनाई गई है। इसलिए 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सेंटर स्टेट में जो तालमेल होना चाहिए रायट्स कंट्रोल करने के लिए, क्या उसे फाइन ट्यूनिंग मुझे लगता है व्यवस्था ठीक है, अभी जो व्यवस्था है वो ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने देखे थे जो अग्निपथ जो स्कीम है उसके कारण जो दंगे हुए थे, हाँ वायलेंस में लोग मरे नहीं लेकिन काफी देर तक इनएक्शन था, तो इसमें फिर वही स्टेट्स की बात हो जाती है। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेदारी है, भारत सरकार सहयोग कर सकती है, स्टेट की डिमांड पर सहयोग कर सकती है, और जब स्टेट को लगता है कि हमारी स्टेट की मशीनरी कम पड़ रही है या तो हमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए जो स्टेट के पास उपलब्ध नहीं है, तो रिजर्व फोर्स में से भारत सरकार की मैन पावर जाता है। ये व्यवस्था बहुत परफेक्ट है और हर स्टेट में कमोबेश भारत सरकार के CAPFs के बटालियन लगे हुए हैं, तो कहीं और से नहीं लाना है, मानो बिहार है तो SSB हमारी तुरंत घंटों में पहुंच सकती है। पर उसमें भी कहा जाता है कि पॉलिटिकली हो जाता है मोटिवेट, जैसे ममता जी कहती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल आदेश पर काम करते हैं। स्मिताबेन, ममता जी को ना आप समझा सकते हो ना मैं समझा सकता हूँ, छोड़िए इसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे तय होगा। पॉलिटिकल बातें करने के लिए हर एक को इस देश में स्वतंत्रता है। जी, आपका कोई आज जब ये रूलिंग आई है तो आप एक बार और पूछूंगी मैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है आज के? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मोदी जी को बहुत सारे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है, मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मढ़ते हुए, नीलज्जता से मढ़ते हुए मैंने देखा है, इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है, और 18 साल के बाद
आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है। मुझे तो बड़ा संतोष है कि सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आरोप कितना भी झूठा हो, आप उसको न्याय की अदालत ही तय कर सकती है सच है या झूठ है, तब तक धैर्य रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन ये भी था कि उस वक्त की सरकार ने दंगा रोकने का प्रयास नहीं किया, और ये भी कि कुछ विटनेसेस जो हैं वो ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि डिक्टेशन दे रहे हैं उन्हें, दोनों चीज़ें ऑब्जर्व किए गए। देखिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो एनजीओ के एफिडेविट के आधार पर किया था। इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और आज जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक कोशिश की, राज्य सरकार ने उचित समय पर उचित कार्यवाही कर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया, और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को पूरा का पूरा फुल स्टॉप कॉमा में पूरा किया है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया है? सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का। आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, परंतु आप जजमेंट पड़ेगी, मेरे हिसाब से 300 से ज़्यादा पेज का जजमेंट है, और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है, डील किया है, किस आधार पर ये करा है। सामने से श्री कपिल सिब्बल ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है, ये इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला है, और हर बार पूरे पूरे दिन सुनवाइयाँ हुई हैं। ये तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भरसक कोशिश की, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इसको कम नुकसान में दंगों को समाप्त करा, और जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर अप्रूव करी थी, इसको फुल स्टॉप कॉमा में स्पिरिट के साथ लागू किया है। और मोदी जी के लिए भी कहा कि मोदी जी ने बार बार दंगा रोकने के लिए मीटिंगें भी करी, अपीलें भी करी, सार्वजनिक अपीलें भी करी, और स्थान पर भी गए। ये सभी चीज़ों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। तो मैं मानता हूं कि एक भी आरोप जो एनजीओ ने लगा था वो टीका नहीं है। मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आए हैं, और आज सत्य का विजय हुआ है।